पेड़ काटनो मतलब मान टाबरिया मारनो मान टाबरा दो लपड़ मार लो बर्दाश्त हो जाओ, लेकिन पेड़ में दो कुल्हाड़ी हल्ले नहीं बर्दाश्त नहीं है। मैं एक दफना सिस्टम भी है मान में जलावा को नहीं दूजी समाज द्वारे जवेला नम के 363 नहीं 363 हो जाला, क्योंकि विष्णु ये पेड़ कटन को देला मर जाला पर पेड़ नहीं। अच्छा ये की संदेश देना जाओ जो थारी वेशभूषा है जिके साड़ो कया कर रही है महिला और पेरोड है और वाइट कपड़ा बच्चों धरा धर और छोटा छोटा जो पेलिम पड़े यहाँ में जज्बू इतो की है जो पेड़ को काटन दे खिचड़ी को काटन दे। देखो माने भी थोड़ो एक तो हमारी पारंपरिक ड्रेस है इन वास में पेड़ माने चोको लागे और वो पेरिया में एकदम यू संतुष्ट रहे हर तरीके हूँ आप रे सेफ लागे मैं दूर जावा तो मान पैसे देख के भाई फलान जी गुरु है या उन वास पहचान तो दूर में ही जाप रहे और दोड़ो पहना ताकि एक दोड़ो आ शांति रूप प्रतीक है सफेद कलर जो है तो लागे कि भाई ये वाकई में प्रकृति रात है या जीव जंतु रात कोई तरह गलत नहीं करेला। और माण में एक दपना सिस्टम भी है माण में जलावा को नहीं दूजी समाज तेरा उन्होंने भी मेन कारण वही जेतो कि भाई अगर दपना वास्ते आपने काफी क्विंटल में लकड़ी चाहिए लकड़ी लावा जन पेड़ काटनो पड़ी इन वहां से माने दफना में जलाओ को नहीं दरखास्त की तरह। अच्छा इसका कारण यही है, इसका कारण यही है क्योंकि आपको क्विंटलों के भराव लकड़ी चाहिए होती है जलाने के लिए वो देह जब तक आप उसमें इतनी लकड़ियां नहीं दोगे तब तक वो देह जलती नहीं है, इसलिए हमारे मिट्टी में दफना देते हैं ताकि हमारे पेड़ नहीं काटे जाए। अच्छा संबंध इतना है कि पेड़ नहीं काटने, पेड़ नहीं काटना माने पेड़ काटनो मतलब माने टाबरिया मारनो मान टाबरा दो लपड़ मार लो बर्दाश्त हो जाओ, लेकिन पेड़ में दो कुल्हाड़ी हल्ले नहीं बर्दाश्त नहीं है बात इतनी है। और भजन लाल जी नोज कहना है साहब जितनी जल्दी हो सके बे आओ टाबरिया बे आल उरिया है माने बूढ़ी माताएं बहना है हाथे है ए बुजुर्ग काले दिन देखो एडा तावड़ा बेटा बीमार हो जाला माना दो भाई एक तो है बेटा माने अटे खमा बोमाराम जी एक माने मुकेश जी भाई साहब भेर आ रिया है ए तो लाडला 10 दिन भोजन पानी छोड़ बैठा है इन वास्ते के भाई जब तक मुख्यमंत्री जी माने कोई आश्वासन नहीं दे जब तक मैं अन्न ग्रहण कराला तो मैं भी मुख्यमंत्री जी ने हाथ जोड़ निवेदन है कि आप आन एक बार वाणी पुकार उनो इतनी जेद मत करो कि कोई बड़ी अनोनी हो जावे इन पच आप आन माने संतुष्टि दो ना आपने पछता हो तो उन पहली आन एक बार वाणी मांगा हूं लो। देख लो भजन भजन लाल जी इन महिला और जज्बो और हिम्मत अगर आप थोड़ी देर में शाम तक इतनी पधारिया तो काली मार रूप धारण कर लेला महिला है। देखो जो बुजुर्ग महिला है वो भी साथ है इनसे भी बातचीत करेंगे थोड़ा इधर हो जाए। देखिए सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान ये आजकल जो आपकी छोटी छोटी बच्ची है ये पहली में पढ़ती है ये भी बोलते है। मेरा नाम राहुल राम है गांव चिल्डानी जिला जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। ये पर्यावरण के लिए हम आए जयपुर भजन लाल जी 25 तारीख को आए थे जोधपुर नृत्य दिए आप जयपुर पधारो हम आपका सलेक्शन दूर करेंगे तो अभी हम कल सुबह रवाना हुए। भजन लाल जी ने कहा था कि आप जयपुर आओ। हाँ जयपुर आओ न्योता दिए हमको क्या आप जयपुर आओ आपका सिलेक्शन निकले तो अब हमारी कोई सुनवाई नहीं करते कोई कहते परमिशन नहीं है ऐसे नहीं है वैसे नहीं है ऐसे थोड़े ही होते ये बोलते हैं पर्यावरण खेजड़ी होगी तो वन विभाग वाले कहते भाई इसके अंदर खेजड़ी होगा या पूरी टोली खत्म करो बंद कर दो खेजड़ियाँ 60,000 कट गई उनकी कोई फिक्र ही नहीं है अभी तक ही। हमारी उम्रता दे माँ पहलम पोती 363 शहीद हुए थे इसीलिए हम भी शहीद हो जाएंगे तो ही कोई परवाह नहीं पर रूख नहीं कटन देंगे और वन्य जीव को नहीं मरने देंगे ये हमारी बहुत बड़ी परंपरा है और यही रहेगी। देखिए माता जी इनसे भी बातचीत करेंगे। माता जी कई नाम है आप सुगनी सुगनी कयो गांव आप भाखरी भाखरी गांव हाँ अच्छा भाखरी गांव जोधपुर में हाँ जोधपुर में भाखरी गांव अच्छा ये उम्र में भी आप रही थानो वो जयपुर आपने क्या कहा जयपुर आनो जयपुर आपने तो आम बमा आम कहो का खेल दिख का काट है खेल दिख माँ भगवान को बस है ताबे रंगो सास है मैं तो भाई सुबह 7 बजे आर बैठी कोई खानो और कोई पानी फिर इतर इतर बरगी यार मैं तो खेल दिख बताऊ मार आई कोई खानो कोई पानी तावरी बलाम बैठी कोई कोई उन्हें नहीं करे। अच्छा आप शुरुआत से ही ये सुनते आ रहे हो कि हमारे लिए पेड़ बचाना महत्वपूर्ण है पशु बचाना महत्वपूर्ण है। हाँ पेड़ बचाना हर भाई खेजड़ी खेजड़ी यहाँ पर आखा यार आप दरखत गिटी बेवा ना आपा न कितनी सिया मिले आराम मिले एबा काटन खेल में तो भगवान को पास है सा है ताबी हमको। हाँ की उम्र है आपकी उम्र तो मेरी है हमने 65 वर्ष की तक 65-65 उम्र हुई फिर भी खेजड़ी बचाना आनो आनो। हाँ सुबह कितनी बजे रवाना हुआ था सुबह तो कल ले रहा है काले रहा उड़ा रहा काले रहा उड़ा है सुबह हम 7 बजे आ बैठा नहीं ना पानी नहीं खानो
उका थे सब बेटा धूप के माँ हाँ कोई सुना ही नहीं कहता रहा क्या। अच्छा आप लड़को भी आते हुए लाए भी नहीं आते है यार मारा एक्चुअली 7 महीने और ये आप रे की लागे मारे कोई गुगनात भाई है कोई पाड़ू है कोई मार भी नहीं है। अच्छा सब अलग अलग गांव में आया हो थे कोई थी हो मैं हुआ ले हो जोधपुर बाड़मेर जोधपुर बाड़मेर ये जाना भाई हो आप रे बुआरी गया है बुआरी तो बुआरी है बुआरी बाबून बैठी बा। अच्छा एक चीज देखो ये तो हैंग महिला है उमर गहनो भी जो सास सवार आप है मैं अटे जयपुर में रहवा। अच्छा आप जयपुर रही हो हां दिस नहीं यहां पर हां जयपुर का। अच्छा जयपुर का हां जद पहनता तो आप भी बिल्कुल सब पहना मगर कोई प्रोग्राम होए कोई अड़ो होए अब वो एकदम ही होई गयो जना गणो घाटो जयपुर में राख नहीं सका आपने पतो लागियो ना आप रहो सीधा आएगा आपको टबरिया पटे सिकर सिकर आया मैं सीधा ही उन्हें जो आया दुनिया जो मैं हाज टू आएगा ए अलग गांव का है ए अलग गांव का है मैं अलग जगह की हूं मैं सब अलग अलग हां जो जो सुनिया जो आएगा गिनात भाई हां गिनात भाई हां गिनात भाई और जना साथ में आइजो हां एकलो तो आइजे नहीं खेजरी माँ भगवान को बस रहे खेजरी में काटे ना तो बोलना सास काटो नस काटो नी खाना नी पानी 7 बजे आ रही बेटा रोड माते वो धूप पड़े ऊपर है कैमो मिलनो है मतारे कल सुबह से रहे खेजरी खेजरी अस्त आया मिलनो कह में हमें मिलनो कह में भजनलाल जी मिलनो भजनलाल जी। देखिए 70 वर्ष की महिलाएं मुख्यमंत्री से जी मिलने के लिए अपने गांव से कल शाम को निकले थे। सुबह 7 बजे से आकर जयपुर जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है उसके आगे बैठे हैं। इनकी मांग सिर्फ यही कि इनके लिए खेजड़ी को लेकर कई नियम बनाने हैं जिसे खेजड़ी वृक्ष को न काटा जाए। और भजनलाल जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर इनके पास पहुँचे। और इन्होंने कहा भी है कि जोधपुर भजनलाल जी जब आए थे तो हमें न्योता दिया था कि आप जयपुर आओ हम आपके लिए अच्छा नियम बनाएंगे।